रायबरेली जनपद के थाना सुरैनी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। जब सुरैनी पुलिस ने गश्त के दौरान सातिर अपराधियों को दर्दबोचा। अभियुक्तों के पास ये भारी मात्रा में अवैध असला, कारतूस और गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों में थाना लालगंज में पसिया खेरा निवासी राजकुमार दीक्षित, थाना सुनेरी भोजपुर निवासी राम विलास, थाना जनपद उनाव निवासी मोहम्मद राइस लंबे समय से गांजा और अवैध असला तस्करी में लिप्त हैं। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह द्वारा खुलासा कर अपराधियों को जेल भेज दिया गया। सर सुनो, क्या खुलासा हुआ है आज? थाना सरेनी पुलिस द्वारा अंतर जनपदीय एक सक्रिय असलहे के तस्कर और अवैध मादक पदार्थों के तस्कर गिरोह का खुलासा किया गया है। तीनों आरोपियों को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, जिनके कब्जे से 7 अवैध तमंचे, 23 कारतूस और 5 किलोग्राम गांजा इनके पास से बरामद किया गया। कुछ नकदी और इनके जो स्कूटी और मोटरसाइकिल थी वो भी पुलिस द्वारा सीज की गई। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत इधर जनपद फतेहपुर, जनपद रायबरेली क्षेत्र में अवैध असलहे के मादक पदार्थों की काफ़ी डिमांड थी, वो इनको किसी अपने ग्राहक को सप्लाई करना था और उसी सिलसिले में जब ये अवैध असलहे और मादक पदार्थ के साथ जा रहे थे तो पुलिस टीम द्वारा चेक करने के लिए पकड़े।